तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत कर रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम डिस्कस करेंगे इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग। लास्ट क्लास में हमने आपको इवेंट के बारे में समझाया था कि इवेंट माइक्रो क्या होता है, फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इवेंट माइक्रो क्या होता है। देखिए, जब आप कोई माइक्रो रिकॉर्ड करते हैं या तो माइक्रो को आप खुद से राइट करते हैं, तो उसको रन करने के लिए आपको जो है माइक्रो वाले माइक्रो डिस्क में जाके रन करना पड़ता है, या कुछ शॉर्टकट बनाना पड़ता है, या कोई बटन पे आपने साइन किया तो बटन पे क्लिक करना पड़ता है। मतलब कि आपकी माइक्रो तभी रन होगी जब आप चाहेंगे। लेकिन इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग क्या होता है कि आपकी किसी पर्टिकुलर एक्शन, जैसे आपने राइट क्लिक किया, आपने डबल क्लिक किया, आपने फाइल ओपन किया, आपने एक सीट से दूसरे सीट पे गए, आपने फाइल को क्लोज किया, फाइल को रीड किया, ऐसे जो इवेंट होते हैं उस इवेंट पे आपका माइक्रो ऑटोमेटिकली वर्क कर जाए। तो आज टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि कोई भी पर्सन मेरे सीट पे एंट्री करे, बट की गई एंट्री को चेंज ना कर सके, डिलीट ना कर सके, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था। तो चलिए अभी आपको उसकी के बारे में बताते हैं। सिंपल सा हमने एक्सेल फाइल लिया है, इसमें मान लीजिए कि यहां पे हम नेम देते हैं, यहां पे देते हैं डेट, और यहां पे देते हैं टाइम। मैं चाहता हूं कोई भी नाम लिख के टाइप करके जैसे एंटर प्रेस करे, यहां पे उसको डेट एंड टाइम दोनों आ जाए, ऑटोमेटिक आ जाए। तो राइट क्लिक करते हैं और हम जाते हैं व्यू कोड, और यहां पे वर्कशीट, और यहां पे चेंज सेलेक्ट करते हैं। यहां पे हम ये देखिए, यहां पे टारगेट मतलब क्या हुआ, जिसपे हमारा कर्सर, जिसपे हमारा चेंज हो रहा है, दैट इज टारगेट। तो हम यहां पे लिखते हैं टारगेट डॉट ऑफसेट 0.1 डॉट वैल्यू इक्वल टू डेट, और इसी टारगेट को कॉपी करते हैं और यहां पे 2 कर देते हैं टाइम। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एज होगा, हमारे कुछ टाइप आपने कर लिया, तो फिर क्या हुआ कि इसने डेट और टाइम दिया, तो यहाँ डेट और टाइम भी टाइप हो गया। तो डेट एंड टाइम जो टाइप हो रहा है वो भी तो चेंज है ना, क्योंकि हमने बोला हुआ है कि जैसे ही सीट पे कोई चेंज हो मेरा माइक्रो वर्क कर जाए, तो इनडिफाइन हो जाएगा, ये चेंज होते जाएगा, चेंज डालते जाएगा, चेंज होते जाएगा, डालते जाएगा, कभी स्टॉप ही नहीं होगा। तो ऐसी प्रॉब्लम को बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे हम लिखते सिंपल एप्लीकेशन डॉट अनेबल इवेंट, अनेबल इवेंट इक्वल टू फॉल्स कर देते हैं। अब हमने फॉल्स कर दिया तो वापस हमको ट्रू करना पड़ेगा नीचे, नहीं तो फिर अगली बार टाइप करने पे चलेगा ही नहीं। तो ये दोनों, अगर आपने ट्रू फॉल्स किया है, एप्लीकेशन की सेटिंग चेंज किया है, तो आप उसको नॉर्मल कर दीजिए ताकि अगली बार जब चेंज करें ये वर्क करे। तो यहां पे मैंने यहां पे डालता हूं पूजा, एंटर किया, आ गया डेट एंड टाइम, यहां पे ओम, कविता, मोहन, ठीक है। जैसे हम डालना ड्रैग ड्रैग भी करिए तो वहां भी वर्क करेगा। अब मैं चाहता हूं कि जो टाइप हो गया है ना, जो टाइप हो गया है उस पर हम चेंज ना कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा, हमें पूरे सेल को सिलेक्ट करना है, यहां ऊपर यहां पे हमें पूरे सेल्स को सिलेक्ट करना है, सेल्स डॉट लॉक इक्वल टू ट्रू, नहीं नहीं पहले सीट वन प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, सीट वन डॉट अनप्रोटेक्ट पासवर्ड 12 डाल दिया, उसके बाद हम
सेल्स डॉट लॉक इक्वल टू फॉल्स, लॉक को मैंने हटा दिया, फिर रेंज ए वन डॉट, अब इसको आप ऑटोमेट कर दीजिए, मैं फिलहाल क्रेन रीजन पे डाल देता हूं, लॉक इक्वल टू और यहां पे मैं कर देता हूं सी वॉच डॉट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट और पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। अब देखिए यहां पे मोहन आ गया, अब यहां पे कुछ चेंज करते हैं, नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें एंट्री हो चुकी है वो चेंज नहीं हो पाएंगे ना बाद में। जी हाँ, अब यहाँ पे देखिए इन द कविता मोहन, देखिए जो एंट्री कर दिया वो चेंज नहीं कर पाएंगे। तो मैंने क्या किया समझिए, सबसे पहले सीट को अनप्रोटेक्ट किया क्योंकि सीट हमारा लॉक्ड है, ठीक है। इसको हमने पासवर्ड डाल के अनप्रोटेक्ट किया, यहां पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक किया, अनप्रोटेक्ट पासवर्ड डाला, उसके बाद पूरे सीट को सेलेक्ट किया और हमने क्या किया फॉर्मेट सेल में प्रोटेक्शन में हम इसको अनलॉक कर दिया, ठीक है। दिख गया सर जी, अनलॉक किया, दो लाइन समझ में आ गया आपको, अनलॉक कर दिया। फिर हम कंट्रोल ए किए, राइट क्लिक किए, फॉर्मेट सेल पे गए और उसको वापस लॉक कर दिया। रेंज आपका दिख रहा है कंट्रोल ए करंट रीजन डॉट लॉक इक्वल टू ट्रू। उसके बाद इवेंट को हमने फॉल्स किया, डेटा को डाला और फिर वापस सीट को प्रोटेक्ट कर दिया जी। उसे क्या हुआ कि जैसे मैं कोई एंट्री करूंगा तो ये पूरा एरिया तो लॉक्ड है ना, तो मतलब वो करंट रीजन क्या करेगा हमेशा डायनेमिक होता जाएगा सर। हाँ, हमेशा बढ़ता जाएगा नीचे की तरफ। यहाँ अगर मैं लॉक पे क्लिक कर दिया जिस सेल पे, और हम उस सेल पे पासवर्ड डाले, चेंज नहीं कर सकते, चेंज उसी सेल पे कर सकते जो हमारा प्रोटेक्ट में अनलॉक्ड है, समझे। यहाँ पे फॉर्मेट सेल में जिस सेल को मैं अनलॉक कर दिया, हमने किसको अनलॉक किया है बी नाइन को, अब मैं पासवर्ड डाल दूंगा, पासवर्ड डाल दिया तो मैं कहीं और टाइप नहीं कर सकता बट बी नाइन पे टाइप कर सकता क्योंकि बी नाइन हमारा अनलॉक्ड है। उसी तरह से मैं पूरी सीट को पहले अनलॉक कर दिया, फिर जितना एरिया हमारा टाइप हुआ है उतने एरिया को हमने लॉक कर दिया, मैं कंट्रोल ए करके वापस लॉक लगा दिया, तो जो टाइप की गई वैल्यू है वो तो लॉक्ड है, उसमें तो वैल्यू डलेगी नहीं ना जी। जी, अब इसके आपको ये भी देखना है कि किसने टाइप किया है, समझ गए। तो जैसे कि मैं यहां पे एक फॉर्मूला होता है एन वी आई आर ओ एन, और इसमें हम डाल देते हैं यूजर नेम, ठीक है। इसे क्या हुआ कि जैसे मैं इसे कोई टाइप करेगा तो साइन में यहाँ पे आ जाएगा आईपीटी आईपीटी आईएन दिखा गया ना सर, मेरा जो लॉगिन यूजर नेम है वो आ जाएगा। ओके, समझ गया जी सर। अब इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि सर मुझे ऑथर नेम चाहिए, हाँ सर वही पूछने वाला था मैं भी, क्या पूछने वाले थे आप, ऑथर पूछने वाला था, ऑथर नेम यहाँ पर जो आर आई पी टी आई एन, ये ऑथर नेम की कौन है सर, ये नहीं ये ना लॉगिन आईडी, जो विंडो का लॉगिन होता है ना, विंडो का लॉगिन आईडी है। अच्छा, विंडोज का लॉगिन आईडी,
इसमें ऑथर नेम का भी कुछ होगा, मुझे 2 मिनट दे दीजिए सर। नहीं सर, पहले ऑथर नेम नहीं दिखा है, अभी किसी ने मुझसे अभी कमेंट करके पूछा है फादर, पहले ऑथर नेम, इसे मैं ऑथर नेम ढूंढ रहा हूँ। सर ऑथर नेम तो उस पूरी शीट का ऑथर जिसने भी किया है, वो जो सेव करेगा वही ऑथर हो गया ना। इसमें जो यूजर नेम है दैट इज मच बेटर, नहीं ऑथर, ऑथर नेम का ऑथर नेम के मतलब हुआ कि एक्सेल ऑप्शन के अंदर में जहां भी ऑथर नेम होता है, ये तो यूजर नेम है। इसमें आई थिंक इस तरह से कर सकते हैं, ऑथर नेम प्रॉपर्टी में आता है आई थिंक। एक मिनट, देखता हूँ करके, ट्राई करके। मतलब उम्मीद नहीं है, कम उम्मीद कम आ रहा है। जहाँ आपने यूजर नेम लिखा था वहीं पे ऑथर लिख के आएगा क्या? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। नहीं से पहले कभी ऑथर नेम लाया नहीं है सर। आइडिया तो वो है ना सर कि जो डाल रहा है उसमें उसका नाम आए, जो भी डेटा डाल रहा है उसका नाम आए। हाँ तो उसमें ऑथर यूजर नेम, जैसे कि यूजर नेम तो बिंदु के लक्षण है, यूजर पीसी नेम आ जाता है इसमें। हाँ नहीं, वह विंडो लॉगिन आ गया, वो भी एक तरह से ऑथर नेम ही होता है विंडो का। लेकिन कुछ लोग क्या होता है कि ऑर्डर नेम अलग डाल देते हैं, बिल्ड डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज और इसमें इसमें डालते हैं लास्ट ऑथर। हो गया ठीक है। एप्लीकेशन दिस वर्ब डॉट बिल्ड डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज लास्ट ऑथर, क्योंकि फाइल का ऑथर नेम अलग हो सकता है और आपकी विंडो लॉगिन अलग हो सकती है, ध्यान रखिएगा। विंडो ये जो आईपीटी इन आया हमारा, जब मैं अपना कंप्यूटर ओपन करता हूँ तो मुझसे जो यूजर नेम पासवर्ड पूछता है वो है एक, एक, हाँ, और ये जो है फाइल का ऑथर नेम, इस फाइल को बनाया किसने है उसका। आपकी आवाज बीच में कट रही है सर जी, आप बोल कट रही है, डिस्टॉर्टेड डिस्टॉर्टेड आ रही है सर। ठीक है, हेलो हाँ सर ठीक है सर। द होल आइडिया इसका था इस पूरा, हेलो सर सुनाई दे रहा है? कैन यू हियर मी? क्या हुआ? हेलो सर को हमारी आवाज नहीं जा रही है। हेलो हाँ सर आपकी आवाज आ रही है? क्लियर है ना? हाँ अभी आवाज क्लियर है सर, अभी क्लियर है। तो ये समझ में आ गया आपको? सर सर वन क्वेश्चन सर, ये पूरा हम लोगों ने इसलिए बनाया कि पीसी एक है, मेरा पीसी है, उसमें कोई और आके उसमें एंट्री करे और पुराना डेटा को चेंज ना कर सके। This was the whole scenario. तो इसमें जब नाम डाल रहे हैं सर तो वो तो उसी पीसी का जो यूजर है वो ही आ रहा है ना सर? अरे जिस पीसी वो अपना नाम, जिस पीसी पे डलेगा उस पीसी का नाम नेम आएगा ना?
हाँ बस उसी पीसी का आएगा, मतलब कोई और मेरे मेरे पीसी पे आके अगर नाम डालता है तो वो अब उसका लॉग इन आना चाहिए ना सर, लॉग इन जब वो मेरे आएगा पीसी को लॉग इन करेगा तो वो लॉग इन आ जाना चाहिए। जी हाँ जी हाँ, जिस लॉगिन पे एक्सेल चल रहा है उसकी लॉगिन आईडी आएगी। हाँ अच्छा सर जी, वो एनवायरनमेंट जो आपने जो कमांड दिए थे वो बेसिकली किस काम के लिए यूज होता है, खाली यही काम के लिए होता है? हाँ, जैसे यूजर नेम हो गया, कंप्यूटर नेम हो गया, टेम्पलेट पाथ हो गया, उसके लिए यूज होता है। जैसे कि आप मान लीजिए ना कि आप डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप है तो आप चाहते हैं कि जब भी फाइल बने तो ऑटोमेटिकली डेस्कटॉप पे चला जाए। अब डेस्कटॉप हर किसी का पाथ अलग अलग होता है ना, मेरा डेस्कटॉप का पाथ अलग होगा, आपके डेस्कटॉप का पाथ अलग होगा, क्योंकि डेस्कटॉप पाथ में आपका यूजर नेम लगा होता है ना, पाथ निकालने के होता है। आगे हम फंक्शन की कमांड में आपको सब बताएंगे, चिंता नहीं की। अच्छा सर जी, एक बात और पूछने का था, आपने जैसे कि यहाँ पर टारगेट दिए तो टारगेट मेरा ए कॉलम में है, जैसे मैं ए कॉलम में एंट्री कर रहा हूँ, टारगेट नहीं नहीं टारगेट जो है बाय डिफॉल्ट आ जाएगा जहाँ पे सिलेक्ट हुआ है। अगर मैंने कर्सर यहाँ रख दिया तो मेरा टारगेट यहाँ है। अच्छा, तो स्टार्टिंग नेम वो कर्सर वहां पर रखना पड़ेगा जहाँ पे टाइप कर रहे हैं वो टारगेट है। तो यहाँ पे आपको कंडीशन लगाना होगा कि टारगेट का कॉलम नंबर 1 होना चाहिए, मतलब यहाँ तभी चले अदरवाइज ना चले। तो वो बताइए, यहाँ पे टारगेट कॉलम इज इक्वल टू 1 देन इट चले, और यहाँ पे लास्ट में आप एडिट कर दीजिए। कॉलम 1 में ही चलेगा, बाकी सब में नहीं चलेगा। जी हाँ, अब मैंने कंडीशन लगा दी। इसको ट्राई कीजिए आप लोग, कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर रिकॉर्डिंग कर लिया मैंने तो इसको कीजिए। कल हम एक और इसमें फाइल इवेंट देखे तो मैंने आपको बताया, कल हम फाइल इवेंट आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट गाइस।